दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे की जिनकी कई मूवीज लगातार सुपरहिट साबित हुई, जो दिखने में बहुत क्यूट और काफी गुड लुकिंग है। और उनका नाम है कार्तिक आर्यन, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया, जिसकी वजह से आज इनके मिलियन में फॉलोवर्स हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इनका रियल नेम कार्तिक तिवारी है और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद इन्होंने अपना नाम कार्तिक आर्यन रखा। और कार्तिक एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सफर करा है, क्योंकि इन्होंने अपने कॉलेज के दौरान ही लगभग 3-4 साल तक ऑडिशन दिए, जहां इनको रिजेक्शन ही मिले। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और पंचनामा, लुका छुपी जैसी फिल्मों में काम करा। और हम आपको बता दें, कार्तिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं और इनका जन्म 22 नवंबर सन 1990 में हुआ था और इन्होंने अपनी स्कूलिंग मध्य प्रदेश से ही कंप्लीट की थी। बात करें इनकी फैमिली की, तो दोस्तों इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा और इनकी छोटी सिस्टर हैं। और दोस्तों कार्तिक को बचपन से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो एक एक्टर बनना चाहते थे। और इनके पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, इस वजह से इनके पेरेंट्स चाहते थे कि कार्तिक भी हमारी तरह डॉक्टर बने। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में हर स्टूडेंट का सपना होता है कि कोई बिजनेसमैन बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो कोई एक्टर बने। कतई छिछोर किस्म की लड़की हो यार तुम तो। खैर, अब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। मैं गधी हूँ। इसलिए कार्तिक को तो एक एक्टर ही बनना था, लेकिन उन्होंने ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताई और कार्तिक को मुंबई भी जाना था। फिर एक दिन उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे इंजीनियर की पढ़ाई करनी है, जिसके लिए वो मुंबई जाना चाहते हैं। फिर दोस्तों उनके मम्मी पापा उनकी बात से एग्री हो जाते हैं और कार्तिक को मुंबई भेज देते हैं, और उन्हें मुंबई आने का बहाना भी मिल जाता है, जहां वो अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। और दोस्तों मुंबई आने के बाद इन्होंने इंजीनियर के कई इंटरेस्ट एग्जाम दिए, जिसके बाद इनका सिलेक्शन मुंबई में DY पाटिल कॉलेज में हुआ। और वहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग करना, फिल्मों में ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों ऑडिशन देते देते कार्तिक को काफी टाइम बीत गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों कार्तिक ने अभी हार नहीं मानी थी, उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन करी, जिससे उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। और कार्तिक के कॉलेज का जब लास्ट ईयर आया, तो दोस्तों उस दौरान इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर देखा कि एक मूवी आई है जिसका नाम प्यार का पंचनामा है, जिसकी डायरेक्टर लव रंजन है और इस मूवी के लिए वो फ्रेश चेहरे ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद कार्तिक ने एक बार और कोशिश करनी चाहिए और ऑडिशन देने चले गए। लेकिन वहां जाके इन्होंने देखा कि यहां ऑडिशन देने के लिए काफी लंबी लाइन है। लेकिन जब इनका नंबर आया और उन्होंने वहां ऑडिशन भी दिया, और दोस्तों ऑडिशन भी इनका काफी अच्छा गया, लेकिन डायरेक्टर लव रंजन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, जिससे उन्हें समझ आ गया था कि यहां मैं रिजेक्ट हो चुका हूं। जिसके बाद वो वापस अपने कॉलेज आ गए। और कुछ ही दिन बाद डायरेक्टर लव रंजन ने सोशल मीडिया पे कार्तिक की कुछ फोटोज देखी, और उनकी फोटोज से डायरेक्टर लव रंजन बहुत इम्प्रेस हुए, जिसके बाद कार्तिक को दोबारा बुलाया गया और फिर से उनका ऑडिशन भी लिया, जिसमें उन्होंने लगभग 5 मिनट में बिना रुके अपना डायलॉग बोला। फिर दोस्तों कार्तिक को प्यार का पंचनामा मूवी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और उनकी पहली फिल्म आई प्यार का पंचनामा, जो लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद की। और उसके बाद कार्तिक ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम करा, जिसमें इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और दोस्तों हम आपको बता दें, इनकी और भी फिल्में आने वाली हैं, जैसे कि भूल भुलैया 2, शहजादा, जिसमें एक जर्नलिस्ट के रूप में नजर आएंगे। अगर बात करें इनकी अवार्ड्स की, तो दोस्तों कार्तिक को पति पत्नी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है, और प्यार का पंचनामा मूवी के लिए इनको स्टार डस्ट का अवार्ड मिला। और इनकी हॉबीज है वीडियो गेम खेलना, फोटोग्राफी करना और फुटबॉल खेलना। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो दोस्तों इनकी नेटवर्थ लगभग 5 मिलियन है और कार्तिक के इंस्टाग्राम पर 24 मिलियन फॉलोवर्स हैं और फिलहाल इनकी उम्र 31 साल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और इनके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।